आज भी जाऊंगी अपनी बेटी का रिजल्ट लाने, दोनों का है और छुट्टी भी हो जाएगा साथ में। रिजल्ट हो चुका है मेरे बाबू का 99% है और ले चुकी हूँ रिजल्ट। और बच्चे थोड़ा सा नोटी, बच्चे मैडम कुछ शिकायत नहीं कर रही थी, बस बोल रही थी कि बच्चे थोड़ा सा नोटी है और कोई बात नहीं है, और थोड़ा अच्छे से बोल नहीं पाता तो उतना बोलता है और लेट से भी बोलना स्टार्ट किया है। बस आज से दुर्गा पूजा की छुट्टी स्टार्ट हो चुका है हम लोगों का, तो हम लोग अब हम चलती हूँ घर। बाबू का रिजल्ट होने वाला है ना? मेरा रिजल्ट अच्छा है क्या? मेरा रिजल्ट अच्छा है। बाबू का रिजल्ट आज मिलने वाला है, पीटीएम है। मैं अकेला आई हूँ और मेरे हस्बैंड भी बाहर छोड़ के चले गए हैं। फिर ना बाबू पीटीएम है ना बाबू का आज? पापा पापा में बाहर में बैठे हुए हैं। देखिए फ्रेंड आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, ये गोभी जो है ना, ये गोभी को मैं सुखा कर सुखौटो बना ली हूँ। अभी जब बारिश बाढ़ हो रहा है ना, सब्जी बहुत महंगी हो चुकी है। अब मैं इसकी सब्जी बनाऊँगी, सूखे हुए गोभी हैं देख सकते हैं। अब मैं इसे गर्म पानी में नमक डाल के उबालूँगी, इसको पैरा पे सब बनाऊँगी। तो मेरी रेसिपी में आप लोग बने रहे हैं, अब मैं खुद रेसिपी बताएँगी आप लोगों को। इसे उबाल के और मुझे इसको फ्राई करना है। चाय उबल चुके हैं, बोरा कहाँ है? एको कल जो बोरा था बाबू, बदमाशी नहीं करो बेटा। सब्जी बन के वॉश कर रहे थे, ये है आलू टमाटर का चोखा, ये रोटी बना रही हूँ बेटे के लिए रोटी।